हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। और इन समिधाओं को पास पास में नज़दीक में ऐसे लगा देते हैं, और नज़दीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं, तो यह समिधाएँ अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियाँ, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा, वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी, उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2-3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, कहा यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीज़ों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें।